नवरात्रि के 9 दिनों में अगर सपने में दिखे ये संकेत तो समझे सफल हो गई पूजा, देवी आ चुकी है आपके घर। चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल से शुरू हो रही है, इसके लिए देवी के भक्तों में अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिससे इस देवी की पूजा आराधना में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी की पूजा में देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन के लिए ऐसी मान्यता है, जो इन 9 दिनों में देवी की सच्चे मन से पूजा करता है, देवी उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती है। शास्त्रों में देवी पूजा के लिए माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में जो देवी दुर्गा की मूर्ति और कलश स्थापित करता है और नियमित एक ही समय पर देवी की पूजा पूरे नियम के साथ करता है, तो देवी की कृपा उस पर बनी रहती है। इसके साथ ही अगर किसी पर देवी प्रसन्न होती है तो नवरात्रि के 9 दिनों में देवी उसे इन 3 में से कोई एक संकेत देकर पूजा के सफल होने के बारे में बताती है। आज हम इस लेख में उन संकेतों के बारे में बता रहे हैं जो देवी दुर्गा देती हैं। दैश नवरात्रि में देवी की पूजा करते हैं और सपने में उल्लू नजर आता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन, इसलिए उल्लू दिखने से आपके धन लाभ होगा। दैश नवरात्रि के दौरान अगर सपने में कोई महिला 16 श्रृंगार किए दिखती है तो इसका अर्थ है देवी माँ की विशेष आपर बनी है, जिससे आपकी सारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होने वाली है। दैश नवरात्रि के 9 दिनों में अगर सपने में कमल का फूल नारियल दिखता है तो इसका मतलब देवी की विशेष कृपा बरसने वाली है, जीवन की सारी परेशानी का अंत होने वाला है।